दोस्तों, ये मेरी 95 साल की सासू माँ के बताए हुए अचूक तरीके, अचूक फर्टिलाइजर बनाने का मेथड, ये सब आप देख के इसको अमल करोगे, इन चीज़ों को डालेंगे तो आपके गार्डन में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों फूल खिलेंगे। आपका गार्डन फूलों से लद जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजू और आपका स्वागत है मंजू ब्लॉग्स एंड गार्डनिंग में। तो आज देखिए, अम्मा जी ने मुझे जो चीज़ें बताई हैं वो मैंने अपने प्लांट पे अप्लाई करी, प्लांट पे डाली और उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। और कैसे डालना है, क्या डालना है वो भी हम आपको बताएंगे, कितनी मात्रा में डालना है वो भी बताएंगे। आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो रही नहीं हो रही है, या हो रही तो एक या दो फूल आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे, चाहे कीड़े मकोड़ों का अटैक है, कोई भी चीज़ है, तो सारी समस्या का समाधान होगा। और बहुत अनुभव के साथ बहुत रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरी वीडियो को बने मैं देखना, पूरी वीडियो में बने रहना। तो ये सासू माँ बता रही हैं, ये हमारे किचन के जो भी चीज़ें निकलती हैं इनको अगर आप फेंकोगे नहीं, गार्डन में डालोगे, तो इससे हमारे गार्डन में इन चीज़ों को डालने के बाद सैकड़ों फूल आपके गार्डन में खिलेंगे। वो मैं बताती हूँ। चावल धोई का पानी फूलों में डाल रहे हैं। हम लोग जो भी घर में हम लोग चावल बनाते हैं ना, चावल को धोते हैं, उसका पानी जो निकलता है, स्टार्च जो निकलता है पानी, वो भी बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए। दाल का पानी या आप चने भिगोते हैं, राजमा भिगोते हैं, हर जो पानी होता है ना उसमें बहुत, उसमें पानी मिला लीजिए थोड़ा सी, फिर उसको डाइल्यूट कर लीजिए, उनको भी प्लांट में डालिए। बिल्कुल प्लांट के लिए जूस होता है हर दिन के लिए, थोड़ी थोड़ी करके एक गिलास हर प्लांट में डाल दीजिए, उससे भी काफ़ी फ्लावरिंग होती है। लेकिन खाद जो है ना, जो खाद आपने डालनी है महीने में एक बार डालना है, और जो हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं वो 15 दिन में एक बार अप्लाई कर सकते हैं पानी। ये देखो, आज मैं आपको इतना प्यारा मेरा ये हाइब्रिड गुलहर पिंक कलर का खिला है, और ये देखिए ये येलो कलर का है, और इसमें काफ़ी सारी कलियां बननी हैं, ये देखिए। तो दोस्तों, जब हम ये चीज़ों को डालते हैं ना, तो इसका मैं आपको रिजल्ट देखिए, ये देखिए ये कली भी खिलने को हो रही है, इसका रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा रहा, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इधर देखिए, इसमें भी कितनी सारी, इसमें भर भर के कलियाँ आ रखी हैं येल्लो कलर में। और उसी तरीके से ये सारे प्लांटों के लिए है, ये नहीं कि गुड़हल के लिए ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने प्लांट की 15 दिन में ज़रूर एक बार अपने प्लांट की गुड़ाई करते रहिए, इससे जो है ना हमारे प्लांट की रूट्स में भी ऑक्सीजन भी जाती है, ऊपर से जो भी आप न्यूट्रिशन हम डालते हैं वो भी हमारे प्लांट में मिट्टी के थ्रू में नीचे चले जाता है, नहीं तो वो ऊपर ही ऊपर रह जाता है, हमारा प्लांट उससे इंटेक अच्छे से नहीं कर पाता है। इसलिए प्लांट की देखिए मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, वेल ड्रेन हमारी सॉइल होनी चाहिए, ताकि हम जो पानी डालें ना वो भी नीचे निकल जाए। अगर प्लांट में पानी रुक जाएगा तो धीरे धीरे हमारा प्लांट सूखने लग जाएगा और प्लांट हमारा मर भी सकता है। इसलिए ये सावधानी जरूर करनी है कि मिट्टी अच्छी होनी है, मिट्टी को देखते रहना है, मिट्टी भुरभुरी हो हमारी, और पानी हमारा, हम जो भी उसमें डालते हैं हमारा पानी जो है नीचे चले जाइए। देखिए, मैं आज 10 दिन बाद ही इसकी गुड़ाई कर रही हूँ, तो ये वो हो रहा है। तो ये देखिए, बहुत अच्छा मौसम आ गया है कि अब हमारे यहाँ से मार्च अप्रैल तक का खूब सारी फ्लावरिंग का समय आ गया है। फिर गर्मी में गर्मी वाले फ्लावर होते हैं, प्लांट होते हैं कुछ जो फ्लावरिंग देते हैं हमको, तो इस तरीके से हमें हर प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है अपनी हमेशा, और जो भी खरपतवार हमारे प्लांट में होता है उसे निकाल लेना है। तो चलिए, अब मैं आपको फर्टिलाइजर अप्लाई करना बताती हूँ इसमें। देखिए, ये मेरा गुलाब का प्लांट है जो आप लोग मुझसे जुड़े हैं। अभी 15 दिन पहले ही मैंने आपको अपने प्लांट की हार्ड कटिंग करके दिखाई थी, उसके बाद देखिए मेरे प्लांट की ग्रोथ देखिए, और आज मेरा प्लांट जो है फ्लावर से भर गया है, और न्यू शूट्स देखिए, ये देखिए कितने प्यारी प्यारी कलियाँ हमारे गुलाब में आ रखी हैं। ये देखिए सारा प्लांट मेरा भरा हुआ है, और सारे प्लांटों के लिए है, ये नहीं किसी के लिए। देखिए बगनविलिया देखिए इतनी प्यारी, इसमें नई नई शूट्स देखिए, ये वाला कट किया था, इसमें देखिए सारी कलियों से भर गया है नई कलियाँ, तो इसमें हमारी अब फ्लावरिंग होगी। और दूसरा जो है, हमारे प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद है, और बारिश के बाद आजकल हमारे प्लांट में काफ़ी कीड़े मकौड़ों का अटैक हुआ, स्नेल हुए, मिली बग हुए, छोटे छोटे कैटरपिलर, जो हमारी कोमल कोमल जो हमारी लीव्स निकलती हैं प्लांट की, वो खाने आ जाते हैं, उनको कलियाँ खाने के लिए आ जाते हैं, लंबे लंबे वाले कीड़े आ जाते हैं, तो उनके लिए भी हम क्या चीज़ अपने प्लांट में डालेंगे वो आज आपके साथ सब शेयर कर रही हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और बहुत यूज़फुल होगी, ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो मैं आपके साथ शुरू करती हूँ, फिर साथ साथ मैं आपको बताते रहूँगी। दोस्तों, ये है हमारे आपके रसोई में खाने वाले जो भी छिलके हैं, हम केला लेते हैं, केला खाते हैं, आलू तो हर घर में बनता है, आलू खाते हैं, तो ये पोटेशियम का भी स्रोत है, इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, जिंक हमारे इसमें भर भर के पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने खाद दे दी, हमने बर्मी कंपोस्ट दे दिया या गाय का गोबर दे दिया, लेकिन पोटाश न बर्मी कंपोस्ट में होता है न गाय के गोबर में होता है, पोटेशियम जो है उसके लिए हमें कुछ न्यूट्रिशन प्लांट को देने होते हैं, जिससे कि ज़्यादा फ्लावरिंग, वहाँ एक दो फ्लावर तो आपके आ जाएंगे लेकिन ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती,
होती है उसके लिए हम ये जूस ये टॉनिक उसको देंगे। तो एक्स्ट्रा भोजन के साथ जो जूस और टॉनिक लेगा तो प्लांट हेल्दी भी होगा और फ्लावर भी काफ़ी आते हैं। तो ये जो मैंने ये छिलके ले रखे हैं इनको इस्तेमाल कैसे करना, देखिए इनको हमें सुखा लेना है। मैं इसको आज 4-5 दिन से सुखा रही हूँ, लेकिन केले के छिलके थोड़ा हार्ड होते हैं, एकदम सूखता नहीं है। ये देखिए अब ये ग्राइंड होने का नहीं हो रखा है, ये सूख जब जाए तो इसको हमें ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। ये आलू के छिलके हैं और प्याज के छिलके भी हैं, इसमें अनार के छिलके हैं। जो भी चीज़ आप खाते हो ना इनमें बहुत जूस होता है, बहुत न्यूट्रिशन होता है, छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये जरूर लेना है। साथ ही मैंने आज क्या लिया है, एक फिटकरी का टुकड़ा ले रखा है। फिटकरी इसलिए ले रखी है, फिटकरी जो है हमारी सॉइल को ना एसिडिक बनाती है, हमारे प्लांट को जो मिट्टी है उसका पीएच लेवल को बैलेंस करती है। तो हमारी मिट्टी दो टाइप की होती है, तो एल्काइन होती है या एसिडिक होती है। तो हमें एसिडिक सॉइल हमारे फ्लावरिंग प्लांट को पसंद है, तो इससे इसका पीएच लेवल बैलेंस होता है। दूसरी बड़ी बात मैंने इसे क्यों लिया है, एसिडिक सॉइल के लिए आप कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हो या लेमन जूस भी नींबू का रस भी डाल सकते हो, बट ये इसलिए आज लिया है कि इससे ना जो आपके प्लांट में कीड़े मकोड़े स्नेल बट्स वो अगर आती हैं या मिट्टी में दीमक लग जाती है या जड़ें हमारी गलने लग जाती हैं, प्लांट की कोई सूख रहा है गल रहा है, तो उसके लिए जो है फिटकरी बहुत अच्छा वरदान है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हमारा अमृत तुल्य है फिटकरी। तो फिटकरी को इसलिए मैं आज फिटकरी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप देखिए इसे हम करें कैसे, तो ये चीज़ें हमें ग्राइंड कर लेनी है। तो ये देखिए ये मेरा एक डिब्बा है, इसमें मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। तो ये देखिए इसमें मेरे सारे छिलके पड़े हैं, केले आम आलू संतरे जो चीज़ हम खाते हैं सारा न्यूट्रिशन इसमें होता है, ज़रा स्मेल इसमें ज़रूर आती है। तो ये सबसे सरल तरीका है कि आप एक बड़ा बर्तन रख लीजिए, उसमें भिगो दीजिए और अपना ये न्यूट्रिशन जब आपको लगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन किस में डालना है इसको लीजिए, इसमें पानी मिलाइए, डाइल्यूट करके हम अपने प्लांट में डाल देंगे। दूसरा इसको आपको ग्राइंड कर सकते हो, जो मैं सूखा आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये मैं अभी ग्राइंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ अप्लाई अभी 10-15 दिन पहले खाद वगैरह की है। एक साथ प्लांट को नहीं करना है, 15 से 20 दिन में एक बार आप अप्लाई कीजिए, ये चाहे वो ज़्यादा खाद भी प्लांट को फर्टिलाइजर नहीं देना है। तो इसको मैं पहले सूखने दूंगी, फिर इसको ग्राइंड करके फिर डालेंगे। लेकिन ये मैंने लिक्विड जो बना रखा है इसको हम छान लेते हैं, इसको छान करके इसको हमें छान लेना है और छान करके हम इस तरह से। दूसरा तरीका ये है। और आप हाँ, आप सबसे बढ़िया आपको किचन वेस्ट बिल्कुल बना सकते हो। किचन की जो भी हमारा निकलता है वेस्ट उसका हम खाद बनाते हैं, बट ये है कि उसमें टाइम लगता है, टाइम प्रोसेस है। आप कोई भी खाद बनाओगे उसके लिए 7 से 8 महीने आपको इंतज़ार करना होगा, और इतना पेशेंस तो आजकल है ही नहीं कि हम इतना भी इंतज़ार करें। तो उससे पहले हम इसको आराम से इस तरीके से भी अपने प्लांट में डाल सकते हैं। तो ये मैं छान ले रही हूँ इसको, ये मेरा काफ़ी दिन से मैं इसमें डालते रहती हूँ, बनता रहता है। तो जितना हमारा पुराना सड़ा बन रहा है उसमें हमें पानी की मात्रा उतनी ज़्यादा मिलानी होती है। अगर आप तुरंत किसी को बना के 24 घंटे के अंदर में डाल लो तो उसमें हमें डबल पानी मिला के आप डाल सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन अगर हमें रखना है तो उसमें हमें पानी की मात्रा बढ़ानी होगी। तो ये देखिए मैंने इतना ले लिया है, मैंने 5 लीटर के करीब पानी ले रखा है। ये 5 लीटर में ये मेरा आधा लीटर है, मैं आधा लीटर इसमें मिला देती हूँ। ये देखिए ज़्यादा नहीं मिलाना है दोस्तों, तब भी आप 15 दिन में दोबारा हम इसको रिपीट कर लेंगे, लेकिन एक बार में ये जूस टॉनिक हमारे प्लांट के लिए इतना अच्छा टॉनिक बन गया है। देखिए हम 15 दिन में इसको एक बार ही अपने प्लांट में डालेंगे। तो मैं अपने प्लांट में इसको डाल देती हूँ। देखिए अपने प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना बड़ा प्लांट है आपका, एक एक मैं इसको डाल देती हूँ, इसमें इसमें भी मैं डाल दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमें अपने प्लांट पे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फिटकरी का इस्तेमाल कैसे करना है। हमने फिटकरी ले रखी है, फिटकरी हमने ये 5 ग्राम के करीब, ये 5 ग्राम होता है, ये मेरा 1 लीटर पानी है, ये 5 ग्राम के करीब मैंने इसमें फिटकरी घोल दी है। उसको डालने से पहले आधा घंटा पहले आप डाल लीजिएगा, भिगो दीजिएगा कि एकदम नहीं भीगता है, या ग्राइंड करके डालिएगा। तो इसमें मैंने उसको भिगो दिया है, और इसको हम अपने प्लांट में, जिस भी प्लांट में आपका, किसी भी सब प्लांट में डालिए, फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं या ये कीड़े मकोड़े स्नेल्स वगैरह लग रहे तो उस प्लांट में डालना है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि स्प्रे हमें नहीं करना है, क्योंकि एसिडिक होता है, एसिडिक हमारे सॉइल को करता है, तो वह हमारी पत्तियाँ मुड़ जाएंगी, बर्न होंगी, जल जाएंगी, इसलिए हमें इसको स्प्रे नहीं करना। गुल्हड़ का प्लांट है तो इसमें भी हम इसको डाल देते, स्प्रे नहीं करना, लेकिन ये जड़ों में जो टहनियाँ हैं ना इसमें ब्रश की सहायता से, जो कि ऊपर ना चढ़े, कोई कीड़ा मकोड़ा स्नेल भी ऊपर ना चढ़ पाए, इस पर थोड़ा सी यहाँ डाल सकते हैं, बट स्प्रे नहीं करना है। इसमें भी मैं डाल दूँगी इसको, ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके 1 लीटर पानी, 1 लीटर को मैंने 4-5 प्लांट में अपना अप्लाई कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से। दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक देना, और अम्मा जी के बताए हुए इस नुस्खे के लिए चैनल पर नए बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पहली बार आए हो तो आगे भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे।
तब तक के लिए बाय 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 तब के लिए बाय बाय।